हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। गाइस, आज मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आज बात करूँगा हुंडई की वर्ना फेसलिफ्ट के बारे में। अभी मैं उसी गाड़ी में बैठा हूँ एंड इसका कलर जो है टाइटन ग्रे है। एंड ये जो वेरिएंट है ये है एसएक्स टर्बो वेरिएंट। इसका एनपीआई भी आता है, बट अभी मैं बैठा हूँ एसएक्स टर्बो वेरिएंट में। मैनुअल आती है ये एसएक्स टर्बो वेरिएंट, तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। 2023 का फेसलिफ्ट है ये। एंड जिस शोरूम में मैं अभी बैठा हूँ वो है केवाई हुंडई अनंतनाग में है ये। आज इस गाड़ी के बारे में हम पूरी डिटेल बात करेंगे एंड जानेंगे कि क्या कुछ नया है इस गाड़ी में एंड क्या कुछ इसमें जो है नया डिज़ाइन दिया गया है, इसका और प्राइस सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो। तो ठीक है, करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो गाइज, ये रही आपके सामने 2023 मॉडल वरना। ये देखिए फेसलिफ्ट है ये, तो मार्च में जो है ये लॉन्च की गई है। कुछ ऐसा लुक है इसका गाड़ी का। आगे से पीछे तक मैं आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ। बिल्कुल वरना जो है चेंज की गई है, एक डिफरेंट डिज़ाइन के साथ आई है ये मार्केट में। मैं आपको ये आगे पीछे दिखाता हूँ। सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये गाड़ी जो है कैसी लगी। तो गाइज, ये वाली जो है ये है हुंडई की वर्ना एसएक्स 1.5 टर्बो। इसका 1.5 एमपीआई भी आता है, बट ये है 1.5 टर्बो। ये देखिए 1.5 टर्बो इंजन के साथ ही आती है, 1500 सीसी। ये TGDI बोलते हैं इसको, TGDI पेट्रोल इंजन। एंड इसका जो डीजल ऑप्शन है वो पूरा डिसकंटिन्यू कर दिया गया है मार्केट से, सिर्फ आपको जो है पेट्रोल ऑप्शन में जो है वरना अभी मिलेगी। अब करते हैं बात इसके कीज़ की। हाँ, इसकी कीज़ कुछ इस तरीके की है। ये देखिए गाइस, इन कीज़ में आपको जो है नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है चार बटन देखने को मिलते हैं, लॉक, अनलॉक। ये जो होल्ड का बटन है ये आप देख रहे हैं, इससे जो है आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ये जो है बूट ओपन करने का बटन, तो इसमें आपको जो है चार बटन्स मिलते हैं। दोनों कीज़ आपको सेम टू सेम मिलेंगी। एंड इस गाड़ी का जो कलर है वो है टाइटन ग्रे, बहुत ही प्यारा कलर है। एंड बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन के साथ जो है गाड़ी मार्केट में लॉन्च की गई है। तो गाइज़, ये गाड़ी जो है एडास फीचर के साथ आती है। अब सबसे पहले बात करेंगे इसके फ्रंट की। इसका फ्रंट का लुक कुछ इस तरीके का है। सामने एक बड़ा सा बोनेट, ये देखिए बहुत बड़ा बोनेट है। एंड यहाँ पे जो है आपको हुंडई का बड़ा सा लोगो देखने को मिलेगा। एंड अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक कनेक्टेड DRL देखने को मिलती है। पूरा आप देख सकते हैं एक कनेक्टेड DRL है। तो गाइज, लुक्स के हिसाब से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखती है, बट ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है ही नहीं। इसमें आपको जो है पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। तो गाइज़, अगर बात करें इसके हेडलैम्प्स की, तो इसमें आपको जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलते हैं, बट आपको यहाँ पे जो है LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, अलॉन्ग विद कॉर्नरिंग लैम्प्स एंड होराइजन LED पोजीशनिंग लैम्प्स एंड DRLs। एंड अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएं, यहाँ पे आपको जो है एक इंडिकेटर का ऑप्शन भी दिया गया है नीचे की तरफ, ये देखिए गाइज़। एंड इसमें आपको जो है बल्ब का ऑप्शन दिया गया है। तो गाइज़, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बिल्कुल नया डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे क्रोम फिनिश दिया गया है सामने, जहाँ पे एयर इनटेक जो है ग्रिल आप देख रहे हैं। एंड इसमें आपको जो है सेंसर्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो है एडास का फीचर आपको देखने को मिलता है। तो गाइज़, ये देखिए इसका टायर एंड इसके अलॉयज का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। इसमें आपको जो है 205/55 R16 जो है टायर्स आपको मिलते हैं अपोलो की तरफ से, ये देखिए गाइज़। एंड यहाँ पर आपको जो है ब्लैक कलर के अलॉयज मिलते हैं। एंड यहाँ पे सामने आपको जो है रेड कलर के कैलिपर्स इसमें देखने को मिलेंगे 1.5 TGDI में। एंड बीच में यहाँ पे जो है हुंडई का लोगो गाइज। साथ ही आपको फ्रंट में जो है डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, जिसमें आपको ABS विद EBD का ऑप्शन दिया गया है। तो गाइज, अब करते हैं बात इसके फ्रंट सस्पेंशन की। फ्रंट में आपको जो है MacPherson स्ट्रट, ये देखिए MacPherson स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग जो है आपको देखने को मिलता है।
तो गाइज़ अगर रियर टायर की बात करें तो रियर में भी आपको 205/55 R16 के जो है टायर मिलते हैं विद ब्लैक अलॉयज, बीच में जो है हुंडई का लोगो एंड पीछे की तरफ आपको जो है ड्रम ब्रिक्स देखने को मिलते हैं। एंड अगर साथ ही बात करें इसके रियर सस्पेंशन की तो रियर में आपको जो है कपल टॉर्जन बीम एक्सल जो है सस्पेंशन देखने को मिलता है। अगर आप इसका एक्सटीरियर का डिज़ाइन देखेंगे तो हल्का सा जो है इसमें आपको कर्व नज़र आएंगे, इसमें बहुत सारी कर्व्स दिए गए हैं तो इससे गाड़ी जो है बहुत ही नेक्स्ट लेवल की, जो साइड प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल की दिखती है। तो गाइस अगर बात करें इसके ORVMs की तो ये देखिए, इसमें आपको जो है बॉडी कलर्ड ORVMs देखने को मिलते हैं, इसमें आपको जो है इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। तो गाइस ये है इसके आउटसाइड डोर हैंडल्स, इनको बोलते हैं सैटिन क्रोम एंड सैटिन क्रोम फिनिश में आते हैं ये देखिए दोनों के दोनों, एंड बहुत ही बड़े जो है डोर हैंडल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट मिरर पे एडास का जो फीचर है यहाँ पे लगाया गया है, तो एडास सिस्टम जो है यहाँ पे रखा गया है फ्रंट मिरर पे। एंड सामने का जो फ्रंट मिरर है वो बहुत ही बड़ा दिया गया है, आपको विजिबिलिटी जो है अच्छी खासी मिलती है वाइल्ड ड्राइविंग। तो गाइज़ साथ ही बात करते हैं इसके टैंक कैपेसिटी की, इसमें आपको जो है 45 लीटर्स का जो है टैंक कैपेसिटी मिलता है, ये देखिए गाइज़। अब चलते हैं हम पीछे की तरफ, ये है इसका रियर का लुक कुछ इस तरीके का, आपको जो है पीछे की तरफ एक कनेक्टेड टेल लैंप देखने को मिलता है, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त दिया गया है। पीछे जो है हुंडई का एक बड़ा सा लोगो एंड यहाँ पे जो है एक बड़ा सा वर्ना लिखा गया है शीशे के अंदर। पीछे एक कैमरा दिया गया है, रियर पार्किंग कैमरा, एंड ये है रियर पार्किंग सेंसर्स, एंड साथ ही पीछे जो है इंडिकेटर्स लाइट जो है उसमें आपको जो है LED का ऑप्शन नहीं मिलता है, एंड इसमें आपको जो है बल्ब का ही ऑप्शन दिया गया है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको जो है पीछे वाले शीशे पे रियर डिफॉगर देखने को मिलेगा, एंड ऊपर की तरफ आपको एक शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है वो भी ब्लैक कलर में, एंड साथ ही आपको यहाँ पे जो है एक सनरूफ भी देखने को मिलता है। तो गाइज़ अब करते हैं बात इसके बूट की, हम इसका बूट ओपन करते हैं सबसे पहले। तो गाइज़ ये हो गया इसका बूट ओपन, इसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा स्पेस मिलती है बूट में, लगभग 480 लीटर्स की जो है आपको इसमें बूट कैपेसिटी मिलती है, एंड साथ ही आपको यहाँ पे कोई भी स्पीकर का ऑप्शन नहीं दिया गया है, प्लस कोई भी लाइटिंग नहीं दी गई है, एंड यहाँ पे आपको जो है कुछ टूल किट्स मिलते हैं, एंड यहाँ पे एक स्पेयर व्हील आपको मिलता है, R15 आता है 185/65, तो डिफरेंट टायर आता है कंपेयर टू जो इसमें लगे हुए हैं, तो इसमें आपको कोई भी अलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं दिया गया है स्पेयर व्हील में, एंड यहाँ पे जो है आपको एक छोटी सी लाइट दी गई है जो कि ऑटोमेटिक ऑन होती है। तो गाइज ये है गाड़ी का साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके का, ये देखिए यहाँ पे आपको जो एक कंप्लीट लाइन मिलती है आगे से पीछे तक क्रोम में, क्रोम फिनिश में, जो कि बहुत ही बढ़िया दिखती है। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर और यहाँ पे करते हैं इसके इंटीरियर की बात। तो सबसे पहले आप डोर की तरफ यहाँ पे नज़र घुमाइए, यहाँ पे आपको जो है अलग अलग मटेरियल देखने को मिलेगा, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है, एंड यहाँ पे क्रोम फिनिश में जो है डोर हैंडल्स दिए गए हैं, बट ये भी आपको जो है प्लास्टिक में मिलते हैं, कोई भी मेटल यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पे आपको भी प्लास्टिक देखने को मिलेगा, एंड हल्का सा फिनिश जो है यहाँ पे लेदर का दिया गया है, यहाँ पे एक छोटी सी स्पेस, एंड यहाँ पे जो है आपका कंट्रोल्स है, यहाँ से आपका जो है आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, एंड यहाँ पे जो है बाकी विंडो कंट्रोल्स दिए गए हैं। साथ ही इसमें आपको जो है फ्रंट में बोस का स्पीकर मिलता है, एंड यहाँ पे एक ट्विटर, एंड यहाँ पे जो है आपको बोतल होल्डर्स दो देखने को मिलते हैं, एंड हल्की सी आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिलेगी। तो गाइज़ ये रहा इसका स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरीके का, इसमें आपको जो है लेदर फिनिश मिलता है, ये देखिए गाइज़,
ये पहला स्टीयरिंग व्हील है जो कि डिफरेंट दिखता है बाकी, मतलब जो भी हुंडई की कार्स आती हैं उससे बिल्कुल ही डिफरेंट दिखता है। बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको हुंडई का लोगो देखने को मिलेगा। इसमें हॉर्न इंटीग्रेटेड आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मल्टी फंक्शनल आपको जो है स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, एंड स्टीयरिंग व्हील जो है बहुत ही प्यारा एंड बढ़िया दिखता है यार। ये देखिए गाइस, तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन्स का जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर दिया गया है, नीचे सिल्वर फिनिश में, एंड यहाँ पे जो है मेटल यूज़ किया गया है, एंड ऊपर भी मेटल यूज़ किया गया है। ये देखिए, एंड ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश में ये बहुत ही ज़बरदस्त दिखती है, बहुत ही प्रीमियम लुक देती है ये स्टीयरिंग व्हील इसका। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टी फंक्शन जो है, यहाँ पे आपको मल्टीपल बटन्स देखने को मिलते हैं, ये कॉलिंग के लिए, ये वॉल्यूम रॉकर, एंड ये है आपका जो आप बात करना चाहेंगे फ़ोन पे, यहाँ पे डिफरेंट मोड्स हैं तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो साथ ही गाइज आप इसका डैश देख सकते हैं, ये भी आपको जो है प्लास्टिक फिनिश में दिया गया है, एंड आपको जो है ब्लैक बीज इंटीरियर्स दिए गए हैं इसमें। गाइज ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड ये इसका MID दोनों ही जो है एक ही लाइन में दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीरियर, यहाँ पे रेड कलर की जो है लाइन दी गई है, अलॉन्ग विद यहाँ पे आपको जो है एम्बियंट लाइटिंग भी देखने को मिलती है इन डोर्स पे भी, फ्रंट डोर्स पे भी, एंड आपको है 68 कलर्स की एम्बियंट लाइटिंग मिलती है। यहाँ पे नीचे थोड़ा बहुत लेदर फिनिश दिया गया है, बहुत ही डिफरेंट लुक है इसकी डैश का आप देख सकते हैं। ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स, यहाँ पे बटन्स भी नहीं है, यहाँ से टच कंट्रोल दिए गए हैं। ये देखिए गाइस, AC आप टच से ऑन कर सकते हैं। ये देखिए फ़ैन से आप जो है यहाँ पे नॉब्स दो ही दिए गए हैं, बाकी जो है टच कंट्रोल यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है। ये फ्रंट, एंड ये फ़ैन की स्पीड ऑन ऑफ फ़ैन का, ये ऑटो AC है, मतलब इसमें आपको जो है ऑटोमेटिक AC कंट्रोल मिलता है। बीच में हैजार्ड लाइट, एंड यहाँ पे आपको 4 AC वेंट्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ही डिफरेंट लुक है, जो वोल्क्सवैगन की टाइगन आती है सेम टू सेम लुक लगभग लगभग जो है अब अंदर की तरफ जो है सेम टू सेम ही लगती हैं ये गाड़ियाँ। तो वोल्क्सवैगन वर्चस जो है हल्का सा जो है उसके रिफ्लेक्शन जो है अंदर की तरफ यहाँ पे देखने को मिलती है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पीकर दिया गया है, ये देखिए गाइस। गाइज अब बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। यहाँ पे ये जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका, ये टच कंट्रोल है इसमें, एंड इसमें आपको कोई भी बटन देखने को नहीं मिलता है। ये देखिए यहाँ पे नो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, मैप, नेविगेशन, फ़ोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, क्लाइमेट, एंड इसमें आपको जो है ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी जो है हुंडई की तरफ से देखने को मिलेगी। एंड इसमें जो है आपको 10.25 इंचेस का जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, एंड सेम टू सेम रेशियो में जो है आपका जो है MID भी देखने को मिलता है। इसमें आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, लाइक नेविगेशन, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एंड ये इसका MID, इसको हम यहां से चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे जो है MID में आपको RPM मीटर राइट साइड में, एंड यहां पे जो है लेफ्ट साइड में आपको जो है स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा। इसमें टोटली आपको जो है डिजिटल MID मिलता है। ये देखिए इसमें आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, कितना फ्यूल है इसमें, कौन सा गियर है, कितने किलोमीटर्स डन है, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो MID एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो लुक है वो कैसा लगा आपको, वो हमें आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड गाइज साथ ही आपको स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट भी दी गई है, ये देखिए मैं इसको एडजस्ट करता हूँ अपने हिसाब से, जैसे भी आप कंफर्टेबल रहेंगे उस हिसाब से आप इसमें इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये थोड़ा सा ऊपर कर लिया, आपको दिख रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त लगता है ये, तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है इसमें। तो गाइज बात करते हैं इसके सीट्स की, इसमें आपको जो है फैब्रिक अपहोलिस्ट्री नहीं, इसमें आपको जो है लेदर सीट्स देखने को मिलेंगी। अलॉन्ग विद यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला ब्लैक बीज इंटीरियर है ये, इसमें आपको जो है ब्लैक लेदर सीट्स देखने को मिलती हैं। ये आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, एंड ड्राइवर सीट जो है वो 8-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको देखने को मिलती है। एंड साथ ही यहाँ पे जो है स्पेस की मैं अगर बात करूँ तो इसमें आपको बहुत अच्छी खासी स्पेस देखने को मिलती है, साथ ही वेंटिलेटेड सीट्स हैं। वेंटिलेटेड सीट्स में के साथ में आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूँ, इसमें आपको जो है कूलिंग एंड हीटिंग दोनों ऑप्शंस आपको जो है इस वेंटिलेशन में देखने को मिलते हैं, जो दूसरी गाड़ियों में आपको देखने को नहीं मिलती। मतलब आप विंटर्स में भी इसको हीटेड सीट्स भी हैं, एंड आपको इसमें कूलिंग सीट्स भी दोनों देखने को मिलती है।
तो गाइज अगर इसकी कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करें, इसमें आपको जो है, मैंने आपको पहले ही बोला, पावर स्टीयरिंग मिलती है, पावर विंडो फ्रंट, पावर विंडो रियर, पावर बूट आपको इसमें मिलता है, एयर कंडीशनर, हीटर, एडजस्टेबल स्टीयरिंग जैसे मैंने आपको पहले ही दिखाया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर क्वालिटी कंट्रोल, एक्सेसरी पावर आउटलेट, ट्रंक लाइट, वैनिटी मिरर, रियर रीडिंग लैंप्स, ये देखिए यहाँ पे रियर रीडिंग लैंप्स है, दो रियर रीडिंग लैंप्स आपको देखने को मिलते हैं, रियर सीट हेडरेस्ट, वो आपको रियर में मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको फ्रंट में एक आर्म रेस्ट मिलता है, ये देखिए बढ़िया सा आर्म रेस्ट मिलता है, यहाँ पे आप कंफर्टेबली जो है इस पर अपना हाथ रख सकते हैं और अपनी कंफर्ट के हिसाब से बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है दो कप होल्डर्स देखने को मिलेंगे, ये देखिए गाइस, एंड साथ ही अगर यहाँ पे गियर नॉब की बात करें, इसमें आपको 6 स्पीड जो है 1.5 टर्बो में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है अलॉन्ग विद रियर जो है रिवर्स गियर, उस टोटल मिला के 7 गियर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये ड्राइविंग मोड्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ड्राइविंग मोड इको, नॉर्मल एंड सपोर्ट, ये 3 जो है ड्राइविंग मोड्स आपको इसमें मिलते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो है यहाँ से आप जो है रियर पार्किंग कैमरा जो है ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिवर्स कैमरा आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, एंड यहाँ पे जो है आपको स्पेस मिलती है कैमरा फ़ोन के लिए, आप यहाँ पे फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है आप फ़ोन वायरलेसली चार्जिंग पे लगा सकते हैं, एंड यहाँ पे आपको जो है 3 पोर्ट्स मिलते हैं, USB यहाँ पे 12 वोल्ट्स का जो है सॉकेट देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे जो है आपको Type-C पोर्ट देखने को मिलता है, ये चार्जिंग के लिए, यहाँ पे ये जल जाएगा जब आप इस पर फ़ोन रखेंगे तो ये खुद यहाँ पे इंडिकेट दिखाएगा, एंड यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ आपको 4 बटन्स मिलते हैं, ये वेंटिलेशन के लिए है, सीट वेंटिलेशन के लिए, ये देखिए गाइस, तो सारा कुछ जो है बटन ऑपरेटेड है, अपने हिसाब से फ़ैन की स्पीड रख सकते हैं, ये आपको सारा दिखाएगा, ये मैं बंद रख रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगी। गाइज आप ड्राइवर साइड में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलेगा, एंड साथ ही यहाँ पे आपको 3 बटन देखने को मिलते हैं, ये इसका जो है ट्रैक्शन कंट्रोल का है, ट्रैक्शन एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल लिमिटेड, ये वाला बटन है। तो गाइज ये जो ए बटन है, इसमें अगर आप ये ऑन रखेंगे, मतलब अगर ये यहाँ पे आप ऑन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है द इंजन विल नॉट शट ऑफ व्हेन द व्हीकल इज स्टॉप्ड, तो ये बटन आप अपने हिसाब से जो है ऑन ऑफ रख सकते हैं, एंड यहाँ पे जो है आप अपने हिसाब से हेडलाइट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये उसके लिए यहाँ पे जो है मैनुअल बटन दिया गया है। तो गाइज बात करते हैं इसके इंटीरियर रियर व्यू मिरर की, तो यहाँ पे जो है आपको SOS का बटन मिलता है, ये डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर है इंटीरियर में आप जो देख रहे हैं, एंड साथ ही यहाँ पे जो है एडास का फीचर जो है यहाँ पे दिया गया है, जो एडास का सिस्टम है वो यहाँ पे दिया गया है। तो गाइज ये इसके सनशीट्स, इसमें आपको जो है मिरर देखने को मिलता है ड्राइवर साइड में, एंड अगर को ड्राइवर साइड की बात करें तो यहाँ पे भी आपको जो है एक मिरर देखने को मिलेगा, बट इसमें आपको लाइट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, रखता हूँ मैं इसका जो है रीडिंग लाइट बंद, एंड यहाँ पे जो है इसका बटन है सनरूफ का, एक छोटा सा सनरूफ दिया गया है आप देख रहे हैं, तो ये वाला शटर जो है इसका, ये आपको मैनुअली बंद करना पड़ेगा, बस इसका जो है वो वाला सनरूफ बटन ऑपरेटेड है, एंड ये जो है आपको मैनुअली बंद करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्म रेस्ट के नीचे आपको एक स्पेस मिलती है, यहाँ पे आप कुछ अपनी चीज़ें रख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह या छोटी भी चीज़ जो इसमें आएगी वो आप रख सकते हैं, एंड साथ ही अगर आप यहाँ पर नज़र घुमाएंगे आपको यहाँ पर जो है एक कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, बहुत ही बड़ा है, अच्छी खासी स्पेस दी गई है इसमें, एंड यहाँ पे जो है पैडल शिफ्टर आप देख सकते हैं, इसके पैडल जो है बिल्कुल डिफरेंट स्पोर्ट्स टाइप के दिए गए हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइज अब करते हैं बात इसके सेफ्टी की, इसमें आपको जो है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, एंटी थेफ्ट अलार्म, पावर डोर लॉक्स, नंबर ऑफ एयरबैग्स आपको इसमें 6 मिलेंगे, ड्राइवर को ड्राइवर साइड पिलर्स पे, डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर्स ऑटो है वो, आपको रियर सीट बेल्ट्स मिलते हैं, एंड रियर सीट बेल्ट वार्निंग यहाँ पे दी गई है, ये देखिए 3 यहाँ पे लिखे गए हैं, एंड साथ ही आपको इसमें TPMS देखने को मिलता है, यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इंजन इमोबिलाइज़र,
एंड बहुत ही इसमें आपको जो है सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, क्रैश सेंसर इसमें आपको मिलता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, EBD इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो साथ ही एडवांस सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको कर्टन ईयर बैग्स मिलते हैं, रियर कैमरा विद गाइडलाइंस, एंड इसमें आपको जो है इमरजेंसी स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलता है, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, एंड इसमें आपको जो है हिल असिस्ट भी देखने को मिलता है जो भी मैंने आपको यहाँ पे अभी पहले ही दिखाया। साथ ही मैं आपके साथ बात करूँगा अब एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन की। इसमें आपको जो है स्पीकर फ्रंट में मिलते हैं, स्पीकर रियर में मिलते हैं, चार टोटल मिला के चार स्पीकर्स आपको इसमें मिलते हैं, एंड साथ ही इसमें आपको दो ट्वीटर्स भी देखने को मिलेंगे, एंड वायरलेस फ़ोन चार्जिंग भी इसमें आपको मिलती है, USB एंड ऑक्सिलरी इनपुट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टच स्क्रीन, एंड ये मैंने आपको पहले ही बोला 10.25 इंचेस का आपको इसमें टच स्क्रीन मिलता है, एंड नंबर ऑफ स्पीकर्स चार आपको इसमें देखने को मिलेंगे, एंड साथ ही आपको इसमें HD ऑडियो, नेविगेशन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, Hyundai ब्लू लिंक, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एंड इसमें आपको जो है फ्रंट ट्वीटर्स मिलते हैं, बोस प्रीमियम साउंड 8 स्पीकर सिस्टम के साथ ही जो है गाड़ी आती है, एंड पीछे वाले रो में जो है आपको और दो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। तो गाइस बात करते हैं इसकी स्पेस की, इसमें आपको जो है बहुत अच्छी खासी स्पेस मिलती है ड्राइवर साइड के लिए, एंड यहाँ पे जो है एक वे एडजस्टेबल आपको जो है सीट मिलती है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हाइट एडजस्ट आपको मैनुअली करनी पड़ेगी, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं मैनुअली, एंड बाकी जो है आपको ऑटोमेटिक दिया गया है। तो गाइस अब चलते हैं हम पीछे की तरफ, रियर में आपको दिखाता हूँ स्पेस की। तो अब चलते हैं इसके रियर पार्ट की तरफ, एंड यहाँ पे मैं पीछे की तरफ आ गया हूँ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा लेग रूम कितना है, बहुत अच्छा खासा लेग रूम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट आपको जो है यहाँ पे लेदर फिनिश में मिलती है, ब्लैक कलर लेदर में आपको एक सीट मिलती है। हम सबसे पहले बात करेंगे इसके डोर्स की, यहाँ पे आपको जो है ये मैंने आपको पहले बताया प्लास्टिक में मिलते हैं, क्रोम फिनिश में दिए गए हैं, एंड साथ ही यहाँ पे आपको जो है एक बटन मिलता है जिससे आप विंडोज ऊपर नीचे कर सकते हैं, एंड यहाँ पे छोटी स्पेस दी गई है, एक बोतल होल्डर, बोस का स्पीकर। अब वापस चलते हैं इसके लेगरूम की तरफ, लेगरूम इसका बहुत ही ज़्यादा दिया गया है, एंड आप आराम से बैठ सकते हैं। मेरी हाइट है 5'11", एंड मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, ये देखिए अच्छे से चार बंदे तो बिल्कुल इसमें मज़े से बैठ सकते हैं। एंड रियर में आपको जो है दो AC वेंट्स दिए गए हैं, ये देखिए दो AC वेंट्स दिए गए हैं, एंड नीचे की तरफ छोटी मोटी स्पेस दी गई है, एंड नीचे की तरफ आपको दो पोर्ट दिए गए हैं, यहाँ से जो है मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे आपको जो है रियर में आपको दो हेडरेस्ट्स मिलते हैं, बीच का जो है स्किप किया गया है, एंड यहाँ पे आपको जो है अभी गाड़ी नई है ये, इसका पन्नी खोल ही नहीं सकता, ऐसे अभी बंद है, तो यहाँ पे आपको जो है आर्म रेस्ट भी दिया गया है, अलॉन्ग विथ इसमें आपको जो है दो कप होल्डर्स भी दिए गए हैं, एंड यहाँ पे पीछे की तरफ आपको एक कर्टन दिया गया है, एंड पीछे की तरफ आपको दो स्पीकर्स भी दिए गए हैं। टोटल मिला के इसमें आपको जो है 6 स्पीकर्स मिलते हैं और दो ट्वीटर्स। तो गाइज़ अब करते हैं बात इसके पावर ट्रेन की। इसका पावर ट्रेन जो है ऐसा है कुछ, आप देख सकते हैं बड़ा सा बोनेट है, एंड यहाँ पे एक बड़ा सा इंजन दिया गया है जो कि है 1482 cc का, यानी कि 1500 cc का आपको इसमें टर्बो इंजन मिलता है, एंड ये टर्बो वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। MPI में भी आपको जो है 1.5 पेट्रोल इंजन ही मिलेगा, एंड साथ ही जो टर्बो की मैं बात कर रहा हूँ इसका जो टोटल BHP है 157.57 BHP एट द रेट 5500 RPM। अगर इसके टॉर्क की मैं बात करूँ तो इसमें आपको जो है 253 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है एट द रेट 1500 to 3500 RPM। नंबर ऑफ सिलेंडर्स इसमें आपको चार मिलते हैं। तो गाइस अगर इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 20 किलोमीटर पर लीटर की जो है एवरेज माइलेज ये देती है, एंड अगर सिटी की बात करें तो ये 17-18 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आपको देगी। तो गाइस अब बात करते हैं इसके कलर्स की। इसमें आपको जो है मल्टीपल कलर ऑप्शंस मिलते हैं, 9 कलर्स आपको इसमें एक्चुअली मिलते हैं, रेड ड्यूअल टोन, फेरी रेड, टाइफून सिल्वर, स्टेरी नाइट, एटलस वाइट, टाइटन ग्रे, टेल्यूरियन ब्राउन, एबाइस ब्लैक, एटलस वाइल्ड वाइट ड्यूअल टोन।
तो ये सारे 9 कलर जो है आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो अभी जिस गाड़ी का हमने रिव्यू किया वो है टाइटन ग्रे कलर। तो गाइस बात अगर करें इसके ऑन रोड प्राइस की, तो इसका ऑन रोड प्राइस जो अनंतनाग में है वो है 18,22,000 रुपीज़ ऑन रोड। तो अगर आपको ये गाड़ी पसंद है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं KY हुंडई एंड अपनी गाड़ी जो है बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप कॉल करके जो है अपनी गाड़ी बुक करा सकते हैं। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।